हमीरपुर समेत पूरे प्रदेश में पशुओं में बढ़ रही बांझपन की बीमारी ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। गाय व भैंस में बांझपन का मर्ज अधिक देखने को मिल रहा है। जिला में 10 से 15 फीसदी दूध देने वाले पशु बांझपन का शिकार हैं। पशु चिकित्सा विभाग भी इस रोग से बचाव की कोई खास पहल नहीं कर रहा है। दुधारू पशुओं में गर्भधारण न होने से लोग उन्हें बेचने के लिए मजबूर हैं। वहीं यूरिया खाद के बढ़ते प्रचलन से पशुओं के दूध में कमी के साथ बांझपन के बढ़ने से पशुपालन भी चिंतित हैं और समस्या से निदान के लिए विभाग का मुंह ताक रहे हैं। जमली धाम के संचालक कृष्ण सिंह मनकोटिया ने बताया कि सरकार हजारों रुपए खर्च कर इन टीकों को खरीदती है और फिर पशुओं को कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है और पशुओं को गर्भ न ठहरने पर पशु पालकों को निराशा हाथ लगती है। पशु पालकों ने प्राकृतिक गर्भधारण को ही उचित ठहराया है। अच्छी नस्ल व दुधारू पशुओं में बांझपन की शिकायत ज्यादा मिल रही है। पशुओं में ये बीमारी पोषक तत्वों की कमी से होती है। भूसा व राशन के उत्पादन में अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना इसकी वजह बना है। देसी खाद के यूरिया खाद भी काम नहीं कर रही है, इसलिए जो हमारे वहाँ यूरिया खाद का जो प्रचलन था उसके कारण दूध में भी कमी आई है, फसल में भी कमी आई है। क्योंकि जिस घास को यूरिया खाद के घास को जो गौएं या भैंसें खा रही हैं उसके कारण दूध का में बेहद कमी आ गई है और उसके प्रजनन शक्ति। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इसे दूर करने के लिए पशुओं को हरा चारा बरसीन व जॉय का नियंत्रण डोज देना चाहिए। हरे चारे को तैयार करने में गोबर, जैविक और हरी खाद का इस्तेमाल करें। ज्यादातर पशुपालक अच्छी नस्ल के महंगे पशु खरीद लेते हैं, लेकिन रखरखाव व भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। इसी से पशु एक दो बार बच्चा देने के बाद बांझपन का शिकार हो जाते हैं। पशुओं को पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें तो बांझपन की बीमारी से बचा जा सकता है। हमीरपुर जिला पशु चिकित्सालय के डॉक्टर अवनीश शर्मा ने बताया कि रासायनिक खाद से तैयार किया गया चारा खाने से पशुओं की आंतरिक क्रियाओं का विस्तार नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा दें तो बांझपन के लक्षणों में कमी आएगी और समस्या से निदान मिल सकेगा। और अगर हम केमिकली ग्रोन फॉडर ट्रीज या फॉडर प्लांट्स को हम पशुओं को देते हैं तो पशुओं में भी उसका नुकसान हो रहा है, पशुओं में बांझपन आ रहा है, पशुएं बार बार टीके ले रहे हैं उसके लिए, और उसकी वजह वही केमिकल है। उन केमिकलों की वजह से ही उसमें हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जाएंगे और पशुओं द्वारा जनित गोबर की खाद को उपयोग करेंगे तो पशुओं में बांझपन के लक्षण भी कम आएंगे, क्योंकि हमें जो चारा उपलब्ध होगा वो भी हमें ऑर्गेनिक उपलब्ध होगा। तो मेरा सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती करें, और ऑर्गेनिक खेती के प्रोड्यूस का भले ही प्रोड्यूस कम होता है लेकिन उससे कॉस्ट ज्यादा मिलती है, तो इकोनॉमिकली वो वायबल है। सभी उस खाद का उपयोग करें ताकि हम सभी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े, एक दूसरा पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो।